नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आपके हाथ के बीचों बीच बनने वाले मनी ट्रायंगल के बारे में। मनी ट्रायंगल को धन की कोठड़ी भी कहा जाता है और जिसके हाथ में यह मनी ट्रायंगल बना होता है जीवन में, उसे किसी प्रकार की पैसे की कमी नहीं रहती, किसी न किसी स्रोत से उस व्यक्ति के पास पैसा आता रहता है। दोस्तों, मनी ट्रायंगल मुख्य रूप से तीन रेखाओं से मिलकर बनता है, आपकी मस्तिष्क रेखा, व्यापार रेखा और भाग्य रेखा। जिस व्यक्ति के हाथ में यह तीनों रेखाएं मजबूत होती है, वैसे भी उसके ऊपर देवी लक्ष्मी कृपा होती है। तो मनी ट्रायंगल छोटा होने से या बड़ा होने से इसके प्रभाव कब और कैसे होते हैं, इस विषय में और मनी ट्रायंगल का संपूर्ण लाभ लेने के लिए आप किस प्रकार से अपने बिजनेस लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं, संपूर्ण चर्चा आज की वीडियो में होगी। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप बहुत अच्छी श्रेणी के गवर्नमेंट लैब सर्टिफाइड राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, समय खराब ना करते हुए विषय को आगे बढ़ाते हैं। मनी ट्रायंगल तीन रेखाओं से मिलकर के बनता है, तो हमें बहुत बारीकी से देखना है कि ये तीनों रेखाएं मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा, जिसे व्यापार रेखा भी कहा जाता है, तीनों स्ट्रांग है, टूटी फूटी नहीं है, कमजोर नहीं है और ये त्रिकोण बहुत स्पष्ट सा आपके हाथ में बना है, तो दोस्तों आपको व्यापारिक गतिविधियों में रुचि लेनी चाहिए। अगर यह जो त्रिकोण है यह बहुत छोटा सा आपके हाथ में बना है और केतु का अक्षेत्र नीचे की तरफ दबा हुआ है, यहां से केतु अक्षेत्र, ये यहां पर मैंने ट्रायंगल बनता है, ये दबा हुआ है नीचे को, तो इसके प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़िया जीवन में नहीं होते। लेकिन यदि हथेली के बीच का हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ है और आपका ये त्रिकोण, धन की कोठरी थोड़ी सी नॉर्मल से ज्यादा बड़ी है, तो इसके परिणाम बहुत ज्यादा शुभ होते हैं और व्यक्ति अपने कैरियर की शुरुआत में ही आर्थिक समस्याओं से 100% बाहर निकल जाता है। दोस्तों, अब मनी ट्रायंगल के कुछ और बिंदुओं को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यदि मनी ट्रायंगल में मस्तिष्क रेखा कमजोर है और बाकी भाग्य रेखा और व्यापार रेखा मजबूत है, तो व्यक्ति अपने गलत निर्णयों के कारण, गलत डिसीजन लेने के कारण अपने पैसे को बर्बाद करता है। यदि मस्तिष्क रेखा और व्यापार रेखा सही है लेकिन भाग्य रेखा आपको लगता है थोड़ी सी कमजोर है, साइड वाली रेखा, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में उसके मित्र लोग धोखा देते हैं, उसका उल्लू बनाने का पूरा प्रयास किया जाता है, उससे बचना चाहिए। और यदि आपकी व्यापार रेखा आपको कमजोर पड़ती दिखाई पड़ रही है तो आपको अपने ग्रह नक्षत्रों को जाँच परख करके, जन्म कुंडली वगैरह दिखा करके, अपनी कैपेसिटी देखने के बाद ही व्यापार में हाथ डालना चाहिए। लेकिन यदि यह तीनों की तीनों रेखाएं आपके हाथ में वेरी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में हैं, मजबूत हैं और यह त्रिकोण बहुत क्लियर सब आपका बना हुआ है, तो कोई कंडीशन नहीं है, आप गरीब रह जाएं। ऐसा व्यक्ति गरीब पैदा होता है लेकिन गरीब मरता नहीं है, पैसे वाला आदमी ऐसा होता है। और यदि ये मनी ट्रायंगल से जो निकलती हुई भाग्य रेखा है ये बिल्कुल सीधी शनि क्षेत्र तक निर्विघ्न चली जाए, तो फिर तो भैया सोने पर सुहागा वाली स्थिति होती है, फिर तो व्यक्ति को उसके घर में, परिवार में देवी लक्ष्मी की कृपा निश्चित रूप से बहुत बड़े स्तर पर होती है और हमेशा खुशियां और धन ऐसे व्यक्ति के जीवन में बरसता रहता है। दोस्तों, मस्तिष्क रेखा मनी ट्रायंगल का अध्ययन करते समय मस्तिष्क रेखा का अध्ययन बहुत बारीकी से करना चाहिए। मस्तिष्क रेखा मजबूत, गहरी, स्पष्ट और बिना टूटी फूटी होनी चाहिए। अगर मस्तिष्क रेखा में दोष है तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी आदमी प्रभावित करके, अपनी बातों में ले करके और उसकी आर्थिक हानि कर सकता है, इस प्रकार के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के मस्तिष्क रेखा, ये जो मनी ट्रायंगल को बनाने वाली तीनों रेखाएं हैं, तीनों को बारीकी से आपको देखना होगा और उसके बाद ही आपको अपने व्यापार के लिए प्लानिंग करनी होगी। अगर तीनों रेखाएं आपके हाथ में मजबूत हैं और त्रिकोण बहुत स्पष्ट बना हुआ है तो फिर तो कोई कमी आपको जीवन में रहने वाली नहीं है। दोस्तों, धन की कोठड़ी यदि आपके हाथ में है तो आप महाभाग्यशाली हैं
और मैं कामना करता हूँ कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी, मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।